आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज कवर करेंगे हम सभी 21 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और दिन भर का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन वो मैं डेली सुबह में 10 से 12 मिनट के अंदर करवा देता हूँ। सो चैनल के ऊपर जो भी नया है ना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपका आपका जो है वो कम से कम ना छूटे और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर जो है वो मिलता रहे। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा इस वीडियो के ऊपर। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना आप सभी कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो टेलीग्राम के चैनल से। हालांकि टेलीग्राम का चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक बात, सक्सेस की 98 के नाम से आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पर डे का, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जुवेंट्स एमवीपी यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। इन्होंने 37 गोल मारे हैं एक सीजन में जो बहुत बड़ी बात है, और इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आप सभी जानते हैं कौन है ये, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के लिए फुटबॉल खेलते हैं, आप सभी को पता है इनका नाम क्या है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, याद रखिएगा 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया है आपका, तो रोनाल्डो को। ये किस कंट्री के लिए खेलते हैं तो पुर्तगाल के लिए। कितने गोल मारे हैं इन्होंने तो रिकॉर्ड 37 गोल मारे हैं इन्होंने, ठीक है इन्होंने। अगला प्रश्न हमारे सामने है भारत पे। अब ये भारत पे क्या है, जैसे आपके फोन में अमेजन पे है, गूगल पे है, फोन पे है, उसी तरह ना भारत पे भी है। यह भी एक क्या है आपका यूपीआई वैलेट है जिससे आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। आपको बताना यह है इस एप्लीकेशन का भारत पे के समूह अध्यक्ष यानी ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम है क्या, तो इनका नाम है आपका सुहेल समीर, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कौन सा भारतीय खेल प्राधिकरण कोविड-19 महामारी के कारण ना कार्यरत 61 एथलीट्स को जो है वो तत्काल सहायता प्रदान करेगा। तो यहां पर मैंने आप सभी के लिए ना हॉकी स्टिक लगा दिया है, इससे आप समझ पाएंगे कौन हेल्प करेगा कौन सहायता करेगा कार्यरत 61 एथलीट्स को, तो आपका हॉकी इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका बी। और एक तरह से बोल सकते हो हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का राष्ट्रीय गेम क्या है आप सभी को पता है भैया, हॉकी है। लेकिन हॉकी के खिलाड़ी बहुत नीचे हैं, बहुत मतलब बहुत नीचे हैं। जितना पॉपुलर क्रिकेट है ना, क्रिकेट के एक एक खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं ना वो भी करोड़पति हैं, और जो नेशनल गेम को खेलते हैं हॉकी में वो करोड़पति नहीं है। तो आप समझ सकते हो हॉकी जो खेल है हमारे राष्ट्रीय खेल है उसका स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है, और इसको उठाने का बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा, हॉकी से याद आया कि हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं, ध्यानचंद को। और 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है आपका नेशनल स्पोर्ट डे, ये भी याद रखिएगा एग्जाम में काफी बार पूछता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है किस देश को भारत के कोविड-19 वैक्सीन में प्राथमिकता देने का वादा किया गया है, यानी अगर भारत में कोविड-19 का वैक्सीन बनता है ना तो किस देश के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि वहां के लोग को भी जो है वो उद्धार किया जा सके, किस देश को जो है वो बोला गया है, और वो भी डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। तो बांग्लादेश को बोला गया है, इस देश पर भी नजर रखा जाएगा, यानी इस देश के लोगों को भी ध्यान में रखा जाएगा अगर भारत में कोविड-19 का वैक्सीन बनता है तो सबसे पहले इस देश को जो है वो वैल्यू दिया जाएगा वैक्सीन के मामले में। और एक बात, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, शेख हसीना, ये सभी को पता है। और राजधानी क्या है, तो वो है आपका ढाका। और मुद्रा क्या है, तो वो है आपका टाका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आजकल का बहुत चल रहा है, आपको क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला,
ये क्वेश्चन काफी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में किस देश को जो है वो टॉप पर रखा गया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत। और एक क्वेश्चन यहां से अलग से आप और याद रखना, अगर एग्जाम में पूछे ना कि कौन सा राज्य जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग बन चुका है, यानी वहां के किसान जो है अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं पूरी तरह से, तो वो राज्य कौन सा है, याद रखिएगा आप सभी का सिक्किम, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन तो आप सभी का यह है, यहां पर फोटो देखने के बाद किसी के माइंड में डाउट, कहां के मुख्यमंत्री हैं ये, अशोक गहलोत, तो राजस्थान के। श्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान प्रदेश में यानी राजस्थान में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, और इस योजना के तहत टारगेट क्या है, मोटो क्या है, एम क्या है आपका, तो कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ गरीब लोगों को दो समय का खाना जो है वो कम दामों में जो है वो उपलब्ध कराया जा सके राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। और इसके ऊपर कितना खर्च आएगा यह भी याद रखिएगा, राजस्थान सरकार का कहना है इसके ऊपर जो है प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, तो यह भी आपको याद रखना है। और एक बात, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, राजधानी जयपुर, राज्यपाल कलराज मिश्रा, और वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इंद्रजीत महंती। और लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट राजस्थान में है आपका 25 और राज्यसभा सीट कितना है 10। ये डेली पॉइंट मैं करवाता हूं और देख लेना एग्जाम में ना 2 से 3 क्वेश्चन बस यही खाएगा आपका, तो ये डेली देखते चलो ताकि जितना डेली देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने का जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय अमेरिकी कौन बन गया है, इनका जन्म ना भारत में हुआ है, इनका नाम क्या है, बहुत चर्चा में रही है पिछले कुछ हफ्तों से, क्या नाम है इनका, कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर हमारा बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन जितने क्वेश्चन करवाता हूं एक एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई बनता है आप सभी का, तो डेली सुबह 4:30 बजे 10 मिनट दोगे ना, मैं डेली क्वेश्चन आप सभी को अपडेट करवा दूंगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग सूची में किस शहर को शीर्ष पर रखा गया है, आपको बताना है कौन सा देश है, कौन सा शहर है आपका, इंदौर को रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर डी। और इंदौर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल, और लोकसभा सीट कितना है यहां पर 29 और राज्यसभा सीट कितना है आपका 11, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, गंगा नदी के तट के ऊपर ना जितने भी शहर गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए, गंगा नदी के तट पर किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का जो है वो स्थान दिया गया है, किसमें, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में गंगा नदी के तट पर जितने भी शहर बसे हुए हैं उसमें सबसे स्वच्छ शहर का स्थान टॉप पर किसको दिया गया है, तो वाराणसी को, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। और वाराणसी कहां पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में, हालांकि इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हरिद्वार उत्तराखंड, ऋषिकेश उत्तराखंड, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा, उत्तर प्रदेश का बनारस शहर। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, पहला प्रश्न आपका, अच्छा क्वेश्चन छोड़ दो आप पहला प्रश्न, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या पूछूं आप सभी को मैं बता ही दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है 80, राज्यसभा सीट कितना है 31, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल ही भी है यहीं पर, यहां पर भी मध्य प्रदेश के साथ साथ, और क्या याद करना है आपको, राजधानी लखनऊ। और एक बात, यहां के चीफ जस्टिस कौन है, तो गोविंद माथुर,
ठीक है, ये याद रखना आप सभी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए सप्लाई चेन जो है ना, हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव शुरू किया गया है, किस देश के साथ मिलकर भारत का, तो आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर आपका बी। और जापान के बारे में तो सभी को पता है, ठीक है, लेकिन सिंजो एबे है, आपका टोकियो है, ये सभी को पता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री का नाम कमेंट कर बताना है, कैपिटल बताना है कमेंट कर, और यहां पर मुद्रा करेंसी क्या इस्तेमाल करते ना, ये भी आपको कमेंट कर बताना है। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कब का, 21 अगस्त का, और इसका सारा पीडीएफ बता चुका हूं कहां पर मिल जाएगा, और आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप रेलवे एसएससी और बैंक के एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अपने फोन के ऊपर। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा और अपने देश का भी। जय हिंद।